वेलकम टू माय चैनल लर्न विदेश डी। दोस्तों आज ये वीडियो कोई सब्जेक्ट का वीडियो नहीं है कि आपको मैं मैथ कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे CGL 2018 या CHSL 2018 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें मैथ में 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस में आप 25 क्वेश्चंस बना सकते हैं वो भी इजीली। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये भी सबसे पहले वीडियो बताने से पहले कि कैसे आपको लाएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि क्यों नहीं आपका आता, क्यों नहीं आपसे 25 में 25 क्वेश्चन सही होते, उसके पीछे भी रीजन है कि क्यों नहीं आज आपसे SSC एग्जाम्स में 25 में 25 क्वेश्चन नहीं बनते, यानी 50 में 50 मार्क्स नहीं ला पाते। और जो SSC क्वालिफाई करते हैं उनके जब आप देखोगे मैथ में स्कोर, तो जब भी वो प्री का एग्जाम देते हैं उनके 25 के 25 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कि 50 में 50 मार्क्स आ जाते हैं वो भी इजीली। लेकिन आपसे वो कभी नहीं आता, जिन लोगों से नहीं आ पाता है उसके लिए मेरा ये वीडियो है। और वो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप कैसे लाएंगे इसके लिए भी मेरा सॉल्यूशन है यहाँ पे कि कैसे आपको लाना है। तो जो देखो जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, जिनसे नहीं आता 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स, उनके पीछे भी रीजन है। आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जुड़े हुए हैं 20,000 लोग, और ये जो 20,000 लोग हैं ना जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ इनको पीडीएफ चाहिए। हर टीचर की पीडीएफ इनको चाहिए, हर टीचर के पीडीएफ इनको रख के क्या करना है, सिर्फ उसको बनाना तो है नहीं, रखे रहना है, और वो लाइफ में कभी कुछ नहीं काम आता। मैं आपको सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आज से ही आप पीडीएफ चिल्लाना बंद करो। क्या 10 बुक्स को बेटर है पढ़ने से, 10 बुक्स आप पढ़ते हो, 10 बुक्स में से 10 इसमें से पढ़ लोगे, 10 इसमें से पढ़ लोगे क्वेश्चन, क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन इससे कभी नहीं होता। अब 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है आप एक बुक्स को पढ़ो और इसी को 10 टाइम्स बना डालो। 10 टाइम्स जब इसको बना डालोगे ना, कोई भी एक बुक्स पढ़ो उसको कॉन्सेप्ट के लिए, और उसी को 10 बार बना डालो, वो चीज़ नहीं भूलेगी। आप 10 बुक्स बना लोगे एक एक बार भी ना, तो भी ये भूल जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप एक बुक्स को ही 10 टाइम्स बनाओ। अब बात आती है कि आप कौन सा बुक्स बनाएं, 10 टाइम्स कैसे बनाना है, वो भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो आज से प्लीज़ आप पीडीएफ चिल्लाना बंद करो। आप लोग कोई भी एक बुक्स कॉन्सेप्ट के लिए ले लो, कोई भी एक बुक्स जिसमें कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से दिया हो उसको पूरे के पूरे चीज़ कर डालो और उसको 10 टाइम्स बना डालो। और फिर मैं आपको अगेन मैं बता दूं कि आप पीडीएफ इस सर के क्लास नोट्स, आप अपना नोट्स, ये सब चीज़ें बंद करो, क्योंकि इससे सिलेक्शन नहीं होता। जो SSC में सिलेक्शन लाते हैं, जिनके 50 में 50 मार्क्स आते हैं, वो ऐसे नहीं, वो सिर्फ 1 बुक्स कंप्लीट कर जाते हैं, उसी को 10 टाइम्स कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या नीड होगी आपको, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, आपका रीजन मैंने बता दिया कि क्यों आपका नहीं आता। आप सिर्फ पीडीएफ 10 बुक्स के पीछे पड़े रहते हो, और 10 बुक्स बनाने से SSC में सिलेक्शन नहीं होता। SSC में सिलेक्शन तब होगा जब आप एक ही बुक्स को 10 टाइम्स बना डालो, क्योंकि हर चीज़ आपको इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि आपको कोई बुक्स और बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि SSC में जो है 90% क्वेश्चन डिट्टो डाटा वाइज क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। वो चाहे प्रीवियस ईयर का हो सकता है CPO का क्वेश्चन CGL में, CGL का क्वेश्चन CPO में, MTS का क्वेश्चन, इस तरह से वेरिएशन होते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगनर हो, आपको कोई चीज़ 10 PDF पढ़ने से बेटर है कि आप कोई भी बुक्स एक से उठा लो जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दिया हो। जैसे मेरे रिकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो जैसे मैं अपने चैनल पे कराता हूं राकेश यादव के क्लास नोट्स के बुक्स, इसमें क्या है सभी चैप्टर के सॉल्यूशन दिए हुए हैं और क्वेश्चन का कलेक्शन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा किया गया है। सॉल्यूशन डजंट मैटर, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो करो। और ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि इस बुक्स को कंप्लीट कर जाओ 2 से 3 टाइम्स। अब बात आती है कि हमने कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गया, चलो कॉन्सेप्ट एक बुक्स को हमने 10 टाइम्स कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, आप इसको चाहो तो 2 से 3 टाइम्स भी कंप्लीट कर सकते हो, तो मोर देन इनफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से आप लोग सुनो। देखो लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं कहीं से भी किसी भी बुक से, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इधर उधर बोलते हैं कि सर टफ क्वेश्चन कराओ, इजी क्वेश्चन कराओ, मॉडरेट क्वेश्चन कराओ। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन क्या आपको क्या, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होती है आप अगेन मूव कर जाओ क्या इस पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक पे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आपको क्या करना है, कोई भी ले लो, चाहे राकेश यादव के 7300 प्लस ले लो, या किरण की ये बुक्स आती है आपको मार्केट में, कोई एक बुक्स ले लो, या तो ये वाला ले लो
या तो आप ले लो किरण की भी आती है बुक्स। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे चैप्टर वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चाहे इस बुक से पढ़ लो राकेश यादव के क्लास नोट्स के मैथ के बुक से पढ़ लो। तो इसमें फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क में 63 क्वेश्चन है, तो 63 क्वेश्चन दैट इज द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। जब ये करने के बाद अब आप मूव करो, जाओ कोई भी बुक्स मत बनाओ। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूं, जो टॉपर्स भी होते हैं ना वो भी 50 बुक्स नहीं बनाते, वो सिर्फ एक बुक्स को ही 10 टाइम्स बना लेते हैं। अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है आप एक बुक्स को ही 10 टाइम्स पढ़ जाओ, वो चीजें फायदेमंद होगी। तो देखो आपको क्या करना है, कोई भी 7300 प्लस बुक्स ले लो, या आपको किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले लो, या किसी भी प्रकाशन की जिसमें क्या हो SSC के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मान लो कि राकेश यादव के क्लास नोट से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जैसे ही 63 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरी की पूरी टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको देन मूव कर जाना है, क्या 7300 प्लस बुक्स में मूव कर जाओ, या आप इसमें भी मूव कर सकते हो, किरण की कोई भी एक ले लो। या तो आपने किरण ले लिया है तो आपको ये बुक्स नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन दोनों में सेम होगा। चाहे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पढ़ते हैं, अगर SSC के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी तो सेम ही होंगे। तो आपको क्या करना है, ये 7300 जैसे ही आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, इस 7300 प्लस में टाइम एंड वर्क के आपको 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इस 300 प्लस क्वेश्चन को लगा डालो, आपके 90% तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। जो 10% रहता है, 10% आप जब दोबारा रिपीट करोगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा। इस तरह से एवरी चैप्टर, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिए, इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपने 73 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली क्लास नोट्स के क्वेश्चन से, तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट फिर आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, फिर आप जो भी 350 प्लस क्वेश्चन आए होंगे उसको कंप्लीट कर जाओ। और ये बुक्स को मैं बोल रहा हूं ना, SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको इस बुक्स को, फॉर एग्जांपल ये 7300 प्लस बुक्स है या ये किरण की बुक्स है, इसमें भी 8900 प्लस बुक्स क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, 7300 प्लस बुक्स को, या आप कोई भी किरण की भी ले सकते हो, इसमें भी 89 प्लस बुक्स क्वेश्चन है, कोई भी एक ले लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, इसको क्या करो, इस बुक्स को 10 टाइम्स कंप्लीट कर जाओ एग्जाम से पहले। फॉर एग्जांपल CHSL आ रहा है एग्जाम ना, अगर आपके पास टाइम है थ्री मंथ का टाइम है CHSL के लिए, तो आप फोर टाइम्स तो यहीं पे कंप्लीट कर लोगे। इस बुक्स को फोर टाइम्स कंप्लीट कर जाओ, जब इस बुक्स को फोर टाइम्स कंप्लीट कर जाओगे ना, आप देखना कि आपसे 97% क्वेश्चन CHSL में आपसे बन जाएंगे, और आप आसानी से CHSL में क्या करोगे, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना 90% क्वेश्चन ये इसी बुक्स में से, मतलब क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैं हजार बार बोलता हूं 10 बुक्स मत बनाओ, 10 बुक्स को बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे बेटर है एक बुक्स को बनाओ, वो भी क्या 10 टाइम्स बना डालो। और जो मैं ये नहीं बोलता, जो SSC क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं, जो भी सिलेक्शन लेते हैं, वो एक बुक्स को ही 10 टाइम्स बना डालते हैं। तो इसीलिए मेरा आज मैंने कोई वीडियो सीरीज नहीं लगाई, और मैं एक चीज मैं आपको और रिपीट करना चाहता हूं, जो ये मेरा चैनल है ना, इस चैनल पे मैं देखो आपको राकेश यादव के क्लास नोट्स की जो राकेश यादव क्लास नोट्स की जो क्वेश्चन है ना, वो अर्थमेटिक के मैं इवरी चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन की वीडियो। तो आप इस बुक्स को क्या करो, आराम से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नहीं समझ में आता डायरेक्ट आप जाओ वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे प्लेलिस्ट एक सेक्शन है, उसमें मैंने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया और सारे के सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं एडवांस पोर्शन भी आपको कंप्लीट करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम का स्टार्ट कर दिया हूँ, नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा, और ये भी आपको कंप्लीट कराते चला जाऊंगा। तो आपका सिर्फ काम क्या है कि 7300 प्लस बुक्स है राकेश यादव सर की, इसको आप एग्जाम से पहले, अगर आप CHSL की प्रिपरेशन 2018 की कर रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आपको 3 times कंप्लीट कर जाना होगा इस बुक्स को, अगर आप चाहते हो 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को करेक्ट करना, और चाहते हो कि आप 50 मार्क्स में 50 मार्क्स मैथ में लाओ, तो ये करना पड़ेगा। और
इस तरह से आप अगर सीजीएल की भी प्रिपरेशन करोगे 2018, तो आपका तो देखो 3 टाइम्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको टाइम मिलेगा 4 मंथ की, तो आपका 7 to 8 टाइम्स आप कंप्लीट कर पाओगे, तो आपका 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। और ये गारंटी देता हूँ कि इतना करने के बाद आप 97% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, SSC HSL हो या CGL हो या MTS कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से आउट ऑफ 50 मार्क्स और आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हो, यानी कि 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपका जरूर राइट हो जाएगा। अगर आप इसी तरह बने हैं तो आप मेरे चैनल पे, जो लोग आ चुके हैं जैसे 22,000 प्लस ऑलरेडी मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अगर आप भी चाहते हो कि 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स लाएं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी क्लियरिफिकेशन हो जाए। थैंक यू, बाय बाय। हम कल से फिर आपको नंबर सिस्टम की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।